अगर आपका एपेटाइट ज्यादा है या फिर आपको बोल भर के खाने में मजा आता है पर आप वेट लूज भी करना चाहते हो या फिर बेली फैट कम करना चाहते हो तो आप इस तरह के फूड्स चूज कर सकते हो जो कि फिलिंग भी हो, वॉल्यूम में ज्यादा हो मगर कार्ब्स, फैट्स और ओवरऑल कैलोरीज कम हो। जहां मोस्टली हेल्दी फूड्स कैलोरीज और कार्ब्स में हाई होते हैं, आपको कुछ इस तरह के फूड्स चाहिए जिन्हें अच्छे पोर्शंस में लेने से भी आप वेट लूज कर पाओ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे हेल्दी फूड्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी सेटाइटी, हेल्थ और वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं एस हेल्थ कोच हूँ और आई एम वाओ हेल्थ एंड फिटनेस कंपनी की फाउंडर भी हूँ। मेरे प्रोग्राम आई एम वाओ की मदद से हजारों लोगों ने खुद को हेल्दी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। आई एम वाओ की बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज और ऑनेस्ट रिव्यूज आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। और अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसकी बाकी डिटेल्स जान सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हेल्दी फूड्स जिनमें कार्ब्स और कैलोरीज कम है। नंबर 1 पे है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि स्पिनच, मेथी, लेटस, केल वगैरह वगैरह। ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस मानी जाती है और इनके अंदर कार्ब्स एंड कैलोरीज बहुत कम होती है। जैसे कि 100 ग्राम कुक्ड पालक में सिर्फ 30 कैलोरीज और 2 ग्राम कार्ब होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये बहुत से इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से पैक्ड होती हैं, जो ओवरऑल वेलबींग, वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इसलिए इन अलग अलग तरह के लीफी ग्रीन्स को डेली डाइट में लेने से ना ही आपको अच्छे फ्लेवर्स मिलेंगे बल्कि बहुत से न्यूट्रिएंट्स की गुडनेस भी मिलेगी। कुछ इंटरेस्टिंग तरीके जिनसे आप इन्हें अपनी डाइट में ले सकते हैं वो है सैलड्स में डालकर, सब्जी बनाकर, स्मूदीज की फॉर्म में, सैंडविच में स्टफ करके या फिर इनके पराठे बना के भी ले सकते हैं। तो कोशिश करें इन्हें डेली अपनी डाइट में किसी ना किसी तरीके से जरूर इंक्लूड करें। नंबर 2 पे है ब्रोकली, जो कि फाइबर में रिच होती है और इसके अंदर प्रेजेंट ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये बहुत ही हेल्दी चॉइस है। 100 ग्राम्स कुक्ड ब्रोकली में अप्रॉक्सीमेटली 30 कैलोरीज और सिर्फ 3.5 ग्राम कार्ब्स होते हैं, इसलिए ये एक लो कैलोरी एंड लो कार्ब कैटेगरी में आती है। विटामिंस, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच ब्रोकली हमारी ओवरऑल हेल्थ, डाइजेशन और सेटाइटी के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। ब्रोकली की सबसे खास बात यह है कि एक बहुत ही वर्सेटाइल सब्जी है जिसे हम अलग अलग तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि रोस्टेड ब्रोकली को आप सैलेड की तरह मंच कर सकते हैं या फिर इसे स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स में ऐड कर सकते हैं। ब्रोकली को आप राइस या फिर पास्ता में भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कभी ब्रोकली के पराठे ट्राई नहीं करे तो आप डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी मिस कर रहे हैं। ब्रोकली आपके मील्स को ना ही सिर्फ कलर एंड फ्लेवर्स देती है बल्कि फाइबर से रिच ब्रोकली लो कार्ब होते हुए भी आपके हंगर को सेटिस्फाई करती है और आपके न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करती है। गाइज, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि इस तरह की बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी भी हैं और आगे भी आती रहेंगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फूड आइटम। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है कॉलीफ्लावर। लो कार्ब डाइट में इंटरेस्टेड लोगों के लिए कॉलीफ्लावर एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हो सकती है। हम यूजुअली इसे सिर्फ एक सब्जी की तरह देखते हैं पर कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी को हम और भी बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। इसकी इंटरेस्टिंग रेसिपीज जानने से पहले हम इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जानते हैं। 100 ग्राम्स कुक्ड कॉलीफ्लावर में सिर्फ 30 कैलोरीज और 3.5 ग्राम्स कार्ब होता है। लो कार्ब होने के बाद भी इससे हमारे फूड में वॉल्यूम ऐड होता है जो कि फुलनेस में हेल्प करता है। एंड यू नो, सब्जी के अलावा आप कॉलीफ्लावर को मैश्ड पोटैटो की तरह यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको बस इसे स्टीम करना है और मैश करके यूज कर लेना है। रिसेंटली कॉलीफ्लावर राइस भी काफी ट्रेंडिंग है, जिसके लिए इसे ग्रेट करके राइस की तरह स्टीम करना है और फिर किसी करी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हो। एक और यूज, कॉलीफ्लावर की क्रीम बना के आप इसे पास्ता में यूज कर सकते हो जो कि एक हेल्दी व्हाइट सॉस की तरह काम करेगा। सो इस न्यूट्रिशियस, सैटिस्फाइंग येट लो कार्ब फूड कॉलीफ्लावर को आप अलग अलग तरह से अपनी डाइट में ऐड करके एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पे है क्यूकुम्बर। वेरी रिफ्रेशिंग, क्रंची, हाई इन वाटर कंटेंट एंड लो कार्ब फूड ऑप्शन। 100 ग्राम क्यूकुम्बर में सिर्फ 20 कैलोरीज और 3.5 ग्राम कार्ब होता है। बहुत से विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से रिच क्यूकुम्बर को डाइट में रेगुलरली लेने से हमारे मील्स में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फ्रेशनेस भी ऐड होती है। क्यूकुम्बर भी काफी वर्सेटाइल है, चाहे इसे अलग अलग तरह की सैलड्स बनाएं, इसका रायता बनाएं, इसका रिफ्रेशिंग जूस बनाकर पिएं या फिर सैंडविच में ऐड करें। इसके क्रिस्पी टेक्सचर एंड लो कार्ब होने की वजह से क्यूकुम्बर एक
गिल्ट फ्री येट सेटिस्फाइंग ऑप्शन है। माई सजेशन वुड बी टू ईट अ प्लेट ऑफ क्यूकुम्बर बिफोर योर लंच, विच विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर मील पोर्शंस एज वेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 30 सेकंड्स लेना चाहूंगी और ये 30 सेकंड्स आपका या आपके किसी अपने का करियर बना सकते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो फिर आप IMWOW Academy का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इस ऑनलाइन कोर्स को करने के बाद आप जॉब, फ्रीलांसिंग या फिर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और फिलहाल इस कोर्स पर एक लॉन्च ऑफर एप्लीकेबल है और इसकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर योर टाइम, नाउ लेट्स गेट बैक। नंबर 5 पे है ज़ुकीनी, अनदर लो कार्ब वेजिटेबल जिसे अलग अलग तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे ग्रिल करके, रोस्ट करके, सॉटे करके। ज़ुकीनी हाई कार्ब फूड जैसे कि नूडल्स या पास्ता की रिप्लेसमेंट की तरह भी यूज की जा सकती है, क्योंकि 150 ग्राम ज़ुकीनी में सिर्फ 24 कैलोरीज और 3.5 ग्राम कार्ब होता है। विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से रिच ज़ुकीनी लो कार्ब लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती है एंड ओवरऑल वेलबींग एंड वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल है। नंबर 6 पे है बेल पेपर्स। इन कलरफुल, क्रिस्पी एंड लो कार्ब बेल पेपर्स में बहुत से एसेंशियल विटामिन्स जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। बेल पेपर्स इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्पफुल है और हेल्दी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। ये कलरफुल बेल पेपर्स जो खाने में इतने क्रंची होते हैं, ये लो कार्ब डाइट लिए बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि 100 ग्राम कुक्ड बेल पेपर्स में सिर्फ 30 कैलोरीज और लगभग 3.5 ग्राम कार्ब्स ही होता है। इसलिए बेल पेपर्स ओवरऑल वेलबींग एंड वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज अवोकाडोज, न्यूट्रिशनल पावर हाउस एंड अ रिच सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। बट अवोकाडोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और नेचुरल शुगर्स ना के बराबर। हाई क्वालिटी फैट्स, फाइबर और क्रीमी टेक्सचर की वजह से अवोकाडोज काफी सेटिस्फाइंग होते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। चाहे इसे टोस्ट पे ऐड करके खाएं, मैश करके, गुआकामोले बना के खाएं, स्मूदीज बनाएं, सैलेड में ऐड करें, अवोकाडोज बहुत ही डिलीशियस और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है जिसे आप गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। तो आप जहां पे भी रहते हैं अगर अवोकाडोज इजीली अवेलेबल हैं तो इन्हें अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि 50 ग्राम अवोकाडो में लगभग 80 कैलोरीज और सिर्फ 4 ग्राम कार्ब्स होते हैं। नंबर 8 पे वी हैव मशरूम्स, लो इन कार्ब्स एंड शुगर बोथ। मशरूम का एक डिफरेंट फ्लेवर और टेक्सचर होता है जिससे वो डिशेस में एक रिचनेस ऐड करता है। मशरूम्स को भी आप बहुत से डिफरेंट स्टाइल्स में ले सकते हैं, जैसे कि इसकी सब्जी के अलावा सॉटे वेजिटेबल्स में ऐड करके, मशरूम सॉस बना के इसे पास्ता में यूज कर सकते हैं जिससे पास्ता काफी डिलीशियस और क्रीमी बनता है, या फिर सिंपली मशरूम को ग्रिल करके भी खा सकते हैं। मशरूम के अंदर भी बहुत से एसेंशियल विटामिंस, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये एक बहुत ही हेल्दी, फिलिंग बट लो कार्ब ऑप्शन है। 100 ग्राम कुक्ड मशरूम्स में 30 कैलोरीज और अप्रोक्सीमेटली 3.5 ग्राम कार्ब होता है। नंबर 9 पे है एग्स। एग्स को भी न्यूट्रिशन का पावर हाउस माना जाता है क्योंकि ये प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और इनमें ना कार्ब्स होते हैं और ना ही शुगर। बहुत से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से पैक्ड एग्स ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट भी करते हैं। एग्स से ज्यादा वर्सेटाइल फूड कोई हो ही नहीं सकता। इसे चाहे बॉईल करके खाएं या फिर स्क्रैम्बल यानी कि भुर्जी बना के, ऑमलेट बनाएं या फिर हाफ फ्राई करें, एंड देन देयर आर सो मेनी डिशेस व्हिच यू कैन मेक यूजिंग एग्स, लाइक हेल्दी पैनकेक्स, होममेड केक, एग फ्राइड राइस, एग करी एंड सो मच मोर। इसे दिन के किसी भी वक्त खा सकते हैं और ये सिर्फ ना ही आपकी भूख को सेटिस्फाई करते हैं बल्कि एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और मसल्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस को भी सपोर्ट करते हैं। एक बॉइल्ड एग में अप्रोक्सीमेटली 71 कैलोरीज और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कार्ब्स होते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10 पर है चिकन ब्रेस्ट। लीन प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स चिकन ब्रेस्ट एक लो कार्ब एंड लो शुगर ऑप्शन है। जहां रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैलोरीज बहुत हाई होती हैं, उसी जगह पर चिकन ब्रेस्ट नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही हेल्दी, हाई प्रोटीन येट लो कार्ब ऑप्शन है। ये मसल्स की मेंटेनेंस एंड ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, इसलिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर पोस्ट वर्कआउट मील। आप इसे ग्रिल करके या फिर सॉटे करके खा सकते हैं, इसे राइस, चपाती के साथ भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ हर्ब्स एंड लेमन के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। 50 ग्राम ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट में अप्रोक्सीमेटली 75 कैलोरीज एंड 0 ग्राम कार्ब होता है। सो गाइज, ये 10 लो कार्ब फूड ऑप्शन हैं। लीफी ग्रीन्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर,
क्यूकुम्बर, ज़ुकीनी, बेल पेपर्स, एवोकाडोज, मशरूम्स, एग्स एंड चिकन ब्रेस्ट। आप इन फूड आइटम्स को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाएं और आपको वेट मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।